प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 जनवरी को लालगंज महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार, पेश है वैशाली लालगंज से नागमणी की रिपोर्ट। प्रताप जी का पुण्यतिथि मनाया गया, इसमें आप सभी लोग प्रस्तुत थे, आगे क्या रणनीति जारी की गई है? आगे की रणनीति यही है कि जो मूर्ति जो बैठाया गया है महाराणा प्रताप जी के, हम सब लोग मिलकर इस मूर्ति को बदलने के लिए कमेटी बनाएंगे, इसमें पूर्ण सहयोग करके और दूसरा भव्य मूर्ति लगाने का पर विचार किया जाए। क्या नाम होगा? ललन सिंह घटारो। क्या रणनीति आप लोग की तैयारी हो रही है आज पुण्यतिथि का? यहाँ पे हम लोग समस्त समाज के लोग जुटे हैं और हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये महाराणा प्रताप हमारे समस्त हिंदुओं के सिरमौर थे, तो उसको लेकर के जो इनकी कद है उसके हिसाब से इनकी मूर्ति काफ़ी छोटी है, तो हम लोग इस विषय पर चर्चा करके एक कमेटी का गठन करेंगे और इनकी भव्य मूर्ति बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जैकी सिंह। क्या तैयारी चल रही है आप लोग की पुण्यतिथि? हम लोग का तैयारी अभी जो काफ़ी समय से हम लोग जैसे अभी जानने को मिला है कि मूर्ति बहुत जर्जर हालत में है और अभी हम लोग एक गठित कर रहे हैं और इसके रूप में हम लोग मतलब मूर्ति को भव्य मूर्ति बनाने के लिए हम लोग आयोजित करेंगे। टीम गठित और जिस तरीका से अभी देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसी तरीका से हम लोग भी सोचेंगे इसका अभियान। घनश्याम कुमार सिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता। हम लोग पूरे समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे और पूरे राजपूत समाज और लालगंज विधानसभा या वैशाली के जितने भी हिंदू लोग हैं एकजुटता कायम करेंगे और जिस तरह से राम मंदिर का अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया है उससे भी भव्य अभियान हम लोग समाज का एकजुटता करके महाराणा प्रताप का मूर्ति भव्य बनाएंगे। किस चीज़ का आयोजन किया गया है आज? आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, इसी सिलसिले में ये आयोजन किया गया है, सारे समाज को बुलाया गया है और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रभात सिंह चौहान और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, क्योंकि आज किसी पार्टी का यहाँ नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के महापुरुष हैं, किसी जाति धर्म के नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूँ महाराणा प्रताप जी को और साथ ही साथ अपने समाज से अपने सभी धर्म के लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति उनकी हम देख रहे हैं बहुत ही दयनीय है। इतने बड़े महान पुरुष का आज ये स्थिति है तो हमारे तरफ से इनका जो डैमेज है, ग्रिल वगैरह है, रंगाई वगैरह है, गमला वगैरह सब, फुलवारी वगैरह सब, ये सब मेरे तरफ से यहाँ किया जाएगा। मैं अपने तरफ से इतना सहयोग कर रहा हूँ, बाकी हमारे समाज के और भी लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके एक कमेटी गठित की जाएगी और हाँ, और इसमें जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करके तो अच्छा और भव्य रूप दिया जाए। आगे की तैयारी आपके द्वारा किया जाएगा, आपके संगठन के द्वारा किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, पर्सनल बात कर रहे हैं, संगठन की यहाँ कोई बात नहीं, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, संगठन की यहाँ कोई बात नहीं और बाकी हमारे समाज के जो भी लोग हैं सब लोग सहयोग करेंगे, सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ये कितने वर्षों से बना हुआ है? ये तो हम लोगों के जन्म से पहले से बना हुआ है, अब इसी से अंदाज लगा ली, जब एक्यूरेट तो पता नहीं है। 15 साल पहले। अच्छा, महाराणा प्रताप चौक लोग बोलते हैं, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।